नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कच्छ तीवू आइलैंड को श्रीलंका को क्यों सौंपा था, और क्या आपने ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जिसमें इंसान इमेजिनेशन नहीं कर पाता, मतलब कि वह अपने ब्रेन में किसी भी चीज़ की इमेज को नहीं बना पाता। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक एप्पल के बारे में सोचिए तो आपका ब्रेन तुरंत एप्पल के बारे में सोचने लगेगा और उसका इमेज भी आपके ब्रेन में बनने लगेगा। दोस्तों सोचिए कि आप कितने ज़्यादा लक्की हैं कि आप ऐसी इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दुनिया में 2 से 5% लोग ऐसे हैं जो ऐसी इमेजिनेशन नहीं कर पाते, मतलब कि ऐसे लोग अपने मन में किसी भी चीज़ की इमेज नहीं बना पाते। और दोस्तों साइंस की भाषा में इसे अफेंटेसिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अफेंटेसिया से पीड़ित लोगों में पाया गया है कि ये लोग अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते वक्त अपने ब्रेन में उस चीज़ की इमेज नहीं बना पाते, मतलब कि जैसे किसी पर्सन को पहले देखा हो लेकिन अगली बार उनसे मिलने पर उसे पहचान न पाना। और दोस्तों अफेंटेसिया याद रखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। दोस्तों क्या आपने पीका बीमारी के बारे में सुना है जिसे ऑटिज्म या ईटिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस बीमारी से पीड़ित इंसान को अजीबोगरीब चीज़ें खाने की इच्छा होती है, जैसे कि इस बीमारी से पीड़ित इंसान घर में मौजूद रजाई, गद्दे, फर्नीचर, यहाँ तक कि कांच भी खाने लगते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें खाने से इनको कुछ होगा नहीं, जाहिर है कि कोई कांच फर्नीचर जैसी चीज़ें खाएगा तो उसे नुकसान तो होगा ही, और वो अपने आप को गंभीर नुकसान भी पहुँचा सकता है। और दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस 3 साल की बच्ची की इमेज को देख रहे हैं ये इसी बीमारी से पीड़ित है। और दोस्तों डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इस बीमारी से पीड़ित लोगों को हर समय देखभाल की ज़रूरत होती है ताकि वो अजीबोगरीब चीज़ें खाकर खुद को हार्म ना कर लें। दोस्तों अधिकतर लोग अपना टाइम सेव करने के लिए एयरप्लेन से सफ़र करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों बहुत से देशों की एयरलाइंस में 13 नंबर की सीट नहीं होती। पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं आगे की वीडियो में। दोस्तों आप तो जानते हैं कि बहुत से देशों में 13 नंबर को अनलक्की माना जाता है, और एयरलाइंस को डर रहता है कि कहीं पैसेंजर इसकी वजह से सीट पर बैठने से मना ना कर दे, और यही कारण है कि एयरलाइंस में 13 नंबर की सीट नहीं होती। और दोस्तों 13 नंबर इतना अनलक्की है कि बहुत से आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स में 13 नंबर की मंजिल ही नहीं बनाते, और होटल्स में 13 नंबर का रूम ही नहीं होता। और 13 नंबर से होने वाले फियर को ट्रिस्काइडेकाफोबिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 13 नंबर कोई अनलक्की माना जाता है, अलग अलग देशों में कई नंबर्स को अनलक्की माना जाता है, जैसे कि इटली में 17 नंबर को अनलक्की माना जाता है। वैसे दोस्तों आपके लिए कौन सा नंबर लक्की है और कौन सा अनलक्की, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे फ्लावर के बारे में बताऊंगा जिसे स्वीट पॉइजन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं जिस फ्लावर की बात कर रहा हूं उसका नाम एकोनाइट है। दोस्तों ये फ्लावर इतना खतरनाक है कि इसके आसपास घास तक नहीं उगती, और गलती से किसी ने भी इस फ्लावर को सूंघ लिया तो वो इंसान तुरंत बेहोश हो जाता है। वैसे दोस्तों इंसान तो इस फूल के पत्ते या इस फूल को तो खाएगा नहीं, चाहे उसे पता हो या ना हो, लेकिन जानवरों को नहीं पता होता। बट फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अगर कोई जानवर इसके पत्ते खा ले तो उसकी तुरंत डेथ हो जाती है। वैसे दोस्तों ये फ्लावर इतनी आसानी से नहीं मिलता, ये फ्लावर हिमालय पर्वत पर 10,000 फीट की ऊँचाई पर पाए जाते हैं, नामिक और हीरामणि ग्लेशियर के आसपास। दोस्तों भले ही ये फ्लावर जहरीला है लेकिन इस फ्लावर का यूज़ औषधि बनाने में किया जाता है, और इस फूल से डायबिटीज़ और पैरालाइज जैसी बीमारियों की दवाई बनाई जाती है। दोस्तों अभी हाल ही में 31 मार्च के दिन पीएम नरेंद्र मोदी अपनी एक रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जानबूझकर कच्छ तीवू आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था, जिससे हर भारतीय गुस्से में है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या सच में इंदिरा गांधी ने जानबूझकर कच्छ तीवू आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था, और ये भी जानेंगे क्या कारण रहे होंगे कि जिस कारण कच्छ तीवू आइलैंड को श्रीलंका को सौंपना पड़ा। दोस्तों आइए पहले यह जानते हैं कि कच्छ तीवू आइलैंड है कहाँ पर। दोस्तों कच्छ तीवू आइलैंड भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जिसका कुल क्षेत्रफल 285 एकड़ है, जो कि रामेश्वरम से 12 मील की दूरी पर है, तो वहीं श्रीलंका के जाफना से 10.5 मील की दूरी पर है।
दोस्तों इस आइलैंड पर कोई रहता नहीं है, जिसका मेन रीज़न यह है कि यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि इस आइलैंड को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच डिस्प्यूट भी है, जिस कारण यहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। पर वेट अ मिनट, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने तो कहा है कि भारत की फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी ने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया है। चलिए इसकी बात आगे की वीडियो में करते हैं, पर इससे पहले थोड़ा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। दोस्तों इस आइलैंड को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच डिस्प्यूट लंबे समय से चला आ रहा है। बताया जाता है कि मिडल एज के दौरान इस आइलैंड पर श्रीलंका के जाफना एम्पायर का रूल था, लेकिन 17वीं सेंचुरी के दौरान इस द्वीप पर मदुरई के किंग रामनाथ का रूल था, और ब्रिटिश रूल के दौरान कच्छ थीवु आइलैंड मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंदिरा गांधी ने इस आइलैंड को श्रीलंका को क्यों सौंपा था। दोस्तों साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने इस आइलैंड पर अपना दावा किया था, और दोस्तों उस समय भारत और श्रीलंका दोनों ही ब्रिटिश की कॉलोनी में आती थी, और ये विवाद तब से चला आ रहा है। और साल 1974 में जब भारत की पीएम इंदिरा गांधी थी, तब उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच इस विवाद को हल करने की कोशिश की थी। इसी दौरान दोनों देशों के बीच एक समझौता होता है, जिसे इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के तत्कालीन प्रेसिडेंट श्री माओ भंडार नायके के साथ कुल 4 सामुद्रिक समझौते पर दस्तखत किए थे, जिनमें से एक कच्छ थीवु आइलैंड को श्रीलंका को सौंपना था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने इस आइलैंड को लेकर कहा था कि इस आइलैंड का कोई सामरिक महत्व नहीं है, और इस आइलैंड को श्रीलंका को सौंप देने से भारत और श्रीलंका के बीच रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। लेकिन दोस्तों उस वक्त जो समझौता हुआ था, उसके अकॉर्डिंग भारतीय मछुआरों को इस आइलैंड पर जाने की परमिशन थी और मछली पकड़ने की भी परमिशन थी, लेकिन श्रीलंका की तरफ से भारतीय मछुआरों को केवल जाल सुखाने और आराम करने की परमिशन दी गई थी, और बिना वीज़ा के इस आइलैंड पर मौजूद बने चर्च में जाने की परमिशन भी दी गई थी। और दोस्तों श्रीलंका ने साफ साफ भारतीय मछुआरों को यहाँ मछली पकड़ने से मना कर दिया था, जिसके कारण 1976 में एक समझौता और होता है, जिसके अकॉर्डिंग दोनों देशों के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास नहीं जा सकते। और दोस्तों जब इंदिरा गांधी ने कच्छ थीवु आइलैंड को श्रीलंका को सौंपने का फैसला किया था, तब तमिलनाडु में इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। वैसे दोस्तों आप इंदिरा गांधी के इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आई होप कि दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे जेड फैक्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।